बॉम्बे में आया तो मैंने यहाँ से ज़ीरो से शुरू किया, क्योंकि अब मैं बिल्कुल सीरियस था इस काम को लेके, कि मुझे लगा कि अगर कोई गलती हो गई तो वो जो समय निकल गया है वो मुश्किल हो जाएगा फिर। जी तो मैंने बराबर यहाँ पे उन दिनों दो इंस्टीट्यूट बहुत पॉपुलर थे, उसमें एक रोशन तनेजा साहब का था, एक मधुमती जी बहुत नामचीन डांसर रही अपने समय की, जिस तरह हेलन जी थी इस तरह। जी तो इनके दोनों यहाँ स्कूल से मैंने कोर्स किए, और मैं रोशन तनेजा साहब बहुत सीनियर लोग थे, उन्होंने पूना इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल रहे। तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं फिल्मी बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, ये मेरे जज्बात हैं और इनको लेके मैं आपके पास पहुँचा हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, और जब आप कहेंगे तभी मैं काम के लिए निकलूँगा, उससे पहले नहीं। और सच बात भी ये थी कि सबके अंदर जज्बात तो होते हैं, लेकिन जब आप बाजार में निकलते हो बिजनेस करने तो तब पता चलता है कि कुछ उसके कायदे कानून होते हैं, वो सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि किस तरह अप्रोच किया जाए, एक्टिंग है क्या, ये कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान से मिलेगी। लेकिन पता चला कि सीखना तो वहाँ से है, लेकिन बाकी सब कुछ आपके अंदर है, ये जो भाव हैं सब आपके अंदर है, जी इनको किस तरह पॉलिश करना है, किस तरह इनको गिवन टाइम पे निकाल के लोगों के सामने लाना है, यही उसका प्रोफेशनल हिस्सा है। तो वहाँ कोर्स करने से ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली। फिर एक मुझे दिन याद है कि एक सीन चल रहा था, हमारी एक नामचीन एक्ट्रेस और भी आयशा झुलका भी मेरे साथ में थी, तो एक सीन हमसे करवाया जा रहा था जिसमें करते करते मैं रो पड़ा, अच्छा इन्वॉल्व हो गया। तो फिर उस दिन मुझे याद है रोशन तलेजा साहब ने मुझसे कहा कि मुकेश तुम अब, मैं सोचता हूँ तुम्हें काम के लिए निकलना चाहिए। तो शायद मुझे लगा कि शायद वो इन्वॉल्वमेंट होना उस लेवल की ही पैमाना है कि आप अपने काम को समझ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एक्टिंग ये है कि हम सब एक्टर हैं, लेकिन हमें गिवन टाइम पे वो सब काम करने हैं जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है, कि हंसी है, अब आपको हंसना है, अब आपको रोना है, अब आपको गुस्सा करना है, तो वो सब चीज़ें तभी होती हैं जब प्रोफेशनल बनते हो। तो वहाँ से फिर निकले हम, शुरू शुरू में कुछ ऐड मिल गए वो कर लिए, उसमें एक थम्स अप का ऐड रहा बड़ा पॉपुलर, वो किया। फिर मुझे टीवी सीरियल करने का मौका मिला, टीपू सुल्तान में मैं जो सीरीज थी उसमें आखिर में मैं विलन एक होता है मीर सादिक उसका नाम था, वो करेक्टर किया मैंने। लेकिन वो 2-3 महीने का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही लाजवाब था मेरे लिए। टीपू सुल्तान करने के बाद मुझे कोई एज एन एक्टर फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो करते समय मुझे पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ और सीखनी है,